कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, से नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। इसीलिए मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत सरकार ने यह अवार्ड सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करने वालों के लिए शुरू किया है। बताते चले कि इन सभी कंटेंट क्रिएटर के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। Through their insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for New India. Hello. हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। इसीलिए अभी और नीव आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि ये थोड़ा साहस का काम है। मैं भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ और जब आर्थिक विषय और आंकड़े बोलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है। कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मजा। मीडिया वाले भी रिपोर्ट में सीरियस नेचर की बात करूंगा तो कभी नहीं करते, वो हंसी मजाक की कोई बात होगी तो बढ़िया रिपोर्ट करते हैं। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। थैंक यू दोस्त, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है, मेरी तरफ से बहुत बधाई। एंड द बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड, द अवार्ड गोज टू Kirtika Govindaswamy, known as Kirti History. She educates about the real history with unique perspective, gaining popularity for her engaging approach to Indian history. Oh ho, Baba, I'm panicking. Okay. That's it. Politics, man. पता नहीं, देश में एक परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है। लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ और उसमें भी जब कोई बेटी, मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ। अनसोगी, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। ये देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो हाथों सुनने वाला मिल ही जाएगा। एलाको वनकुम, आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट honorable prime minister for the fact that you have taken up tamil in a lot of stages and you said like tamil. So I should must start with vanakkam. Yeah, vanakkam. So I'm really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform which you brought here, so I'm really grateful for that, sir. I'm so honored, I'm just shaking, I don't know what to say. Thank you so much. Ne aapko anubhav kya aa raha hai jab aap, kyunki itihas se kuch ghatnaen uthati hai और बड़ा, अब तो जहाँ से ये काम कर रही हैं थोड़ा तकलीफ वाला इलाका है, तो क्या फील करती हैं आप? आई वुड से इट्स लाइक इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सिंस यू नो हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स आर लाइक इंटरकनेक्टेड, सो इट्स लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ ट्रोल आल्सो बट दैट्स फाइन, इट्स जस्ट शेयर विद द फैक्ट्स एंड ऑल। टीनएजर का जो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा अपना समय यहाँ बिताता है, मतलब आप लोगों के लिए वो समय खर्चा करता है।
उनको कौन सी चीजें ज्यादा अपीलिंग लगती है? They like actually in my audience I have a lot of teenagers and they really watch things. इन सब के वो सारे खिलाड़ी teenagers ही है. That's true. So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. उनको अच्छा लगता है. Yeah, yeah. People really feel proud of it. बहुत सेवा कर रहे हैं आप देश की. Thank you. All the best. So big applause for Kritika Govindaswamy. And the next category is Disruptor of the Year Award. स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया. We know him as Beer Bison. He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show. बधाई हो. तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को. योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए. तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है. तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो. मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है. आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं. कभी आप, मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है. क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा. मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियन येटीज के सपने आते हैं. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए. मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी हूं. मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं. मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है. मैं बहुत कम सोता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, समय नहीं चाहता हूं. मेरा जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है. लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है. कभी उस पर सोचिए ना जी. जी, योग निद्रा करनी चाहिए. योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए. देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है, नहीं हो पाती तो नींद, योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है. आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर. अरे वाह. चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई. ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू. और अगला पुरस्कार प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले ग्रीन चैंपियन अवार्ड जिसके विनर हैं पंक्ति पांडे. एज एन इसरो साइंटिस्ट पंक्ति एम्प्लीफाइज द मैसेज ऑफ मिशन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. बहुत बहुत बधाई. कुछ अपने कार्य के विषय में बताइए. सर, हूँ अहमदाबाद थी छू. स्वागत छे. आप लोगों अहमदाबादियों की पहचान है क्या आप लोगों को? हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, ये अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने, क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है. लेकिन ये बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं. एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है. तो बाहर वाले ने कहा, चाराना दोगे तो बताऊंगा. तो उसने कहा, मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा. अच्छा बताइए. प्रकृति के बारे में बताती हूँ. हम
बदलाव बहुत चाहते हैं दूसरी चीजों में, पर हम बदलाव कभी अपने आप में नहीं लाना चाहते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। तो मैं अभी यहाँ पे जो सब लोग उपस्थित है यहाँ पे, उनसे कहूंगी एक चीज हम अगर हमारे वहां पे करें, हम अपने वेस्ट को ऑडिट करें। हम दूसरों का कचरा देखते हैं पर हम क्या खुद निकालते हैं वो हम कभी नहीं देखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वेस्ट ऑडिट योर डस्टबिन, कि क्या हम हमारी लाइफ को जीरो वेस्ट बना सकते हैं? पूरे तरीके से नहीं, पर क्या हम कोशिश कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। मिशन लाइफ के संबंध में डिटेल स्टडी किया है आपने? मिशन लाइफ नहीं सर, मैंने एक यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ दुनिया के सामने एक मिशन लॉन्च किया है, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सारी बातों से हम परिचित है। और लोग दुनिया कहते हैं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, सारा मैं क्या करूंगा कोई कहता ही नहीं है। और इसलिए मैंने कहा है मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ के पीछे मेरा इंटरेस्ट यही है कि आपकी लाइफस्टाइल ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एसी कार में बैठ करके जिम जाएंगे, जिम में बिजली जला करके पसीना निकालेंगे, फिर एसी कार में बैठ करके घर वापस आएंगे और फिर फाइव स्टार होटल में जाकर के एनवायरनमेंट पर भाषण देंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान का सबसे बड़ा उपाय हमारी लाइफस्टाइल है। आपका यही मिशन है ना? यस सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बदलाव हमसे है, बिल्कुल। और अहमदाबादी है तो वेस्ट का बेस्ट कैसे बनाना, इसमें एक्सपर्टाइज होती है। ये अहमदाबादी लोग एक भी चीज फालतू छोड़ते ही नहीं है। धन्यवाद जी। माइक दे दीजिए क्योंकि वो काम आएगा। And the next award, Best Creator for Social Change, और इस award की winner है जया किशोरी, जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। One of the youngest spiritual orators, she shares stories and teachings from Bhagavad Gita and Ramayana in insightful manner. बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झूला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ द मोस्ट इंपैक्टफुल एग्री क्रिएटर अवार्ड, दिस अवार्ड गोज टू लक्ष्य दबास। आई इनवाइट हिज ब्रदर मृणाल दबास टू रिसीव द अवार्ड ऑन हिज बिहाफ। कृषि को लेकर इनोवेटिव टेक्निक से कैसे हम कृषि को समृद्ध कर सकते हैं, इसी पर काम करते रहे हैं लक्ष्य दबास। बधाई हो, आपका लक्ष्य सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से बुलाने के लिए प्रदंत सब। मैं मृणाल दबास, हम जैविक किसान हैं। देश की जरूरत जरूर थी 1970s में कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, लेकिन उसके बाद देश बढ़ा,
और आज देश की जरूरत जैविक खेती की है, जिसमें कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड हमारे खाने में जो जहर हम डालते हैं वो ना डाला जाए। इसी संदर्भ में हमने 30,000 से ज़्यादा किसानों को अपने खेत में बुला के, हम जटखोड़ खेत से बिलोंग करते हैं जो दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पे है, बुला के कैसे जैविक खेती की जाती है, किस तरह कीटों से बचाया जाता है, उस संदर्भ में उनको सिखाया है। अगर हम सरसों का तेल निकालते हैं तो एक्सपेलर यूनिट नहीं, जो प्राचीन समय में कच्ची घानी का तेल हुआ करता था। अगर हम गाय पाल रहे हैं, जर्सी HF नहीं, जो हमारी देसी गाय है, गिर है, सहवाल है, थारपारकर है, राठी है, क्यों उसको भी हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए? और उसके दूध में और उसका जो घी बनता है, क्या उसमें ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और हमारे शरीर के लिए क्यों वो ज़्यादा ज़रूरी है? इसी संदर्भ में हमारा उद्देश्य रहता है। और देखिए लक्ष्य, आप स्वयं तो एक मिशन बोर्ड में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आज आपका यहाँ आने से इनको भी और देश को पता चलेगा कि ऐसे नौजवान, जबकि दुनिया कुछ अलग सोचती है, ये अलग सोच रहा है। लोग लक्ष्य की मजाक उड़ाते होंगे, क्या यार तुम ये गाय पाय पीछे पड़े हुए हो, उसके बाद भी वो उसको समर्पित है। आप कभी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी से मिले हैं? नहीं सर, ये अवसर नहीं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार उनके साथ बैठिए। वो एक मिशन बोर्ड में ये नेचुरल फार्मिंग पर काम करते हैं, कुरुक्षेत्र में उनका एक फार्म भी है, और गुजरात में करीब उन्होंने 3 लाख किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले गए हैं, और जो उसके रिजल्ट आए हैं बहुत ही एनकरेजिंग है। दूसरा, लोगों में एक भ्रम है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू में इनकम का बहुत लॉस होता है, उसके कारण कोई किसान हिम्मत नहीं करता। नेचुरल फार्मिंग में लॉस नहीं होता है, और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, एकरेज बढ़ता है। मैं चाहूंगा कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आचार्य देवव्रत जी से जरूर मिलिए। YouTube पर उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप उसको देखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स रिकॉग्नाइज द बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल, आरजे रौनक, जो अपने प्रैंक के लिए जाने जाते हैं, अपने ह्यूमर, अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं, और अलग अलग टॉपिक्स पर बेहतरीन डिजिटल कॉन्टेंट तैयार करने वाले आरजे रौनक। क्या आरजे, कहते हो भैया? रौनक नहीं, आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूँ और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं, हमने इतने सालों से काम किया लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी, और सारे रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूँ आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। सो बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सो सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बहुआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सो नमस्ते सर, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हिंदी न्यूज़.लाइव से। जय हिंद, जय भारत।